स्माइल वीडियो प्रेजेंट्स। किजड़ स्कूल ना जाना के खड़ा हो ले। ओ मुकेश, अरे तावली खड़ा हो। अरे ओ मुकेश, चल तावली खड़ा हो। अरे कई दिन हो लिया स्कूल जाऊ। क्या हो गया स्कूल में? तुमने कौन सा किले पलट दिया स्कूल में जाके? कौन सा डीएम बन गए? क्या करा? अरे के मान रहा तू हमें? तावली खड़ा हो ले, ज्यादा बकवास तो करे मत ना। हमारे जमाने में तो 10-10 कोसलो स्कूल ना आते। 10-10 कोसलो स्कूल ना आता तो मेरी क्या गलती है? मैं बनवाता स्कूल, दुनिया न्यू ही ना पढ़ ली। अरे तड़की उड़ती बस कर लगा तुम्हें भी कोई हिला ना। तड़की तड़क अड़ जाओ इसकी गैल। तमीज तो तुझे भी ना, बड़े बुढ़े से कैसे बात करी जा है? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। अरे स्कूल ना जाना तो मत जा, एक काम तो कर ले, जाके सुधा खेत में चले जा, नार काट लिया। खेत में इसे भेज दो भगत जी को। अरे तमीज से बात कर, तेरा बड़ा भाई है वो। ऐसे हो बड़े भाई? काम का ना काज का मुझे ही जाना पड़े। अरे रुक 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 रुक। अरे ना मर रही चिट्टी। ये ले, अब पैर ले। अब बच गई। अब तू भाग का आया, 5-4 तो तन्ने मार दी होंगी। अरे भीतर कहाँ जा रहा? अब चाय भी ना पीऊं? चाय ना मिले आज? ला रही हूँ अभी। किसकी निया कर रही है चुटिया? वो चोटी देखेगा चिट्टी देखेगा? उसके दौरे ना इतना टाइम। यू सिंगार छोड़ और चाय ले आ। ले। इसे भीतर भेजने तक क्या हो रहा है? जिसे भागना होगा वह भागेगी। तेरे रोक के रुक रही है। मैं बताऊंगा तुझे। अरे खानदान में भागते होंगी छोरी। होश में रह के बात कर, खानदान तक जाने की जरूरत ना है, मेरे से बात कर। तेरे बाप तो उनसे राम राम कर रहे है। तू हमारी छोरी को उड़ा रहा है? अगर इसके यही लक्षण रहे ना तो उड़ी जागी एक दिन। रह जाओगे देखते। चला जा, नहीं तो जान से मार दूंगा। पहले सांस तो ले ले, जब ही मार लिए जानते। बस यही काम रह गया मेरा, और कोई काम तो है ना। खा हो रही मोटी, रोज तोड़ू रखे इसे। भट्टे का मुंशी हूँ मैं, भट्टे का मालिक ना हूँ। असी तेरे बाप ने इतनी बड़ी फैक्ट्री खुलवा के ना दे रखी मुझे। पहरे गया कोल्हापुरी। देख मेरे बाप तक ना जाइए, जिम मैं आई थी क्या था इस घर में? मेरे बाप की ही सिफारिश से तेरी नौकरी लगी है, बना बैठा भट्टे का मुंशी, नहीं तो पाता ईंट गारे की। असी तेरे बाप ने डीएम की नौकरी ना दुआ रखी मुझे, सारा दिन इंटो में सिर मारना पड़े। मेरे बस की ना, अपने आप करवा लिए ठीक। फिर तू नू कहेगी नू है और नू है और नू ना तो नू है। चप्पल में कील तो ठुकवाई ना गई, सब बात सुना दी। नाम कौड़ी मल और कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकता। के हो गया ताई जी?
ए लाली हुआ तो कुछ ना, वही रोज वाली बात, तू बता कैसे आई। मैं तो निशा से मिलने आई, कहाँ है वो? वहाँ तो भीतर है। निशा, ओ निशा, ओ कहाँ है निशा? निशा, अरे सारा, कैसे आई? चल खेतों पे को चल रहे, साग तोड़ के लावेंगे। इसपे? तू चल ना भाई, मुझे किसी से मना करे। चलो भाई, चलना तो पड़े गई। रोज रोज तेरे चक्कर में आना पड़े मुझे यहाँ। ओहो तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे मेरी जरूरत कभी पड़ा ही ना। तुझे भी तो मिलेगा कभी कोई। मुझे ना तो किसी से मोहब्बत है और ना किसी से होवे। मोहब्बत के बिगड़ तो जिंदगी अधूरी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तू ही कर इस काम को, मुझे जरूरत ना है और ना ही कुछ मैं इसके बारे में जानती हूँ। ले तो तुझे मैं बताती हूँ।
पारुल आ गया तेरा साग। ये तो बड़ा डरपोक है, ये तो तेरे से भी डर गया। डरे या कुछ और बात है, या तुम्हारे से मिलाना ना चाह रही? जा चली जा, कदी बेचारा सूख जाए। और सुन जल्दी आइयो, कदी बातों में ही लगी रह जा, घर भी जाना है। ले चाय पी ले। ओहो आज तो बिना कहु चाय आ रही है भाई। माँ जी नू कह रही चाय पी के खेतों पे चला दियो। भगत जी, ओ भगत जी, उन्हें क्यों रुक के दे रहे हो, पूजा कर रहे हैं। बुला उस महात्मा को, बचा लेगा अपनी चिट्ठियों को। मैंने कोई जान के गेरी, चिन्नी में हो रही है चिट्ठी। दिखता ना तुझे, आंख फूट रही है तेरी, उसे तो हर वक्त चिट्ठी चिट्ठी दिखाई दे। मैं तुझे आंखों से भी चिट्ठी नहीं दिखाई देती। ले जाए इसे, वो पी लेगा भगत जी। अरे क्यों लड़ रहा तड़के तड़क अपनी भाभी से? दिखता ना इसे, रोज चाय में चिट्ठी भर के ले आवे। वंदना इसका सिर ना मारे, जा इसके लियो दूध लिया भर के। हाँ लाला, दूध पी के खेत पे चला जा, तेरा बाप बाट देख रहा होगा। मैं ना पी रहा दूध वूध, उसे पिला दिए भगत जी को। ओहो तो जा रहा हूँ। तुम गांव में रहो तो मैं इतना भी पता ना। अरे हुआ भी कुछ? वो जो राम फड़का रहा था ना, हरदम चश्मे लगाए रखा था, वो सही मजे ले गया। अच्छा ऐसा क्या हो गया? होना क्या था, सुकन्या का हो गया, पिछले हफ्ते वो डॉक्टर के थी। अच्छा हम भी सोचे इतनी जल्दी ब्याह कैसे हो रहा, और क्या कानू ही हो गया। अरे तुम्हें शर्म ना आती है गांव की छोरी को उड़ा रहे हो? किसी का घर बस जा दो थारा के जा रहा। तू बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी, उसकी तो सारे गांव में हवा उड़ रही। तू ज्यादा मत बोल ले, तेरे बाप की कम हवा उड़ रही है। परसों तो वो खेतों में एक लुगाई की गैल पकड़ा। मैंने देखा, मैंने देखा ना, सारे गांव ने देखा जब उस पर जूत बजा। कौन बोल रहा? अच्छा तू करेगा बोल बंद। सुन तुझे तो मैं आज ही देखूं। जा चला जा साले, तू तो तेरा बाप पिटा, आज तू पिटता दिखे, तेरा सारे खानदान का टाइम खराब आ रहा दिखे। अरे मैं नू कहूं तड़की तड़के और सिंगार करके अम्मा बेटी कहां को चल दी? अरे मुंह फूटिका के बोलती भी ना। रुक के क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो समाज में बैठन उठन का भी पता नहीं, किसके जाना और किसके नहीं जाना। लाली जवान होली, जब तुम किसी के जाओगे नहीं तो थारे कोई कैसे आ जाएगा? और तू फिर नू कहेगी नू है और नू है और नू ना है तो नू है। कुछ हुआ भी क्यों फेस टू फेस हो रही, हमें भी तो पता चले तू कहां जा रही लाली को लेके। मम्मी पापा को बता तो दो, सुकन्या के रिश्ते वाले आ रहे, इन्हें कुछ याद तो रहता नहीं। अच्छा रामपुर जा रहे तुम, मैं तो भूल ही गया था, लल्ली भट्टे पर रह गया तो मेरा दिमाग भी पक गया। चलो मैं लत्ते बदल थारे पीछे पीछे आ रहा। ठीक है हम जा रहे, तुम जल्दी आ जाइयो, और लेन देन में कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसे दे दो। पैसे जब देखो पैसे मांगते रहो, कुछ और भी हिल्ला है तुम्हें, बुड़का भर लो मेरे में। चलो मम्मी तुम किससे पैसे मांग रही हो, इस सारी दौलत को अपनी छाती पर धर के ले जाइयो, दूसरे घर जा रहे हम, खाली हाथ चले जाओ। मैं ला पैसे तो क्या कर रही, आज तो फैसला होके ही रहेगा, हद हुआ किसी बात की। क्या बात ठीक ना, आज तो लेके ही जाऊंगी, चल नाश हो जा। अम्मा का बटवा मत ना कट दे, डकैत बनेगी। इनमें नाश हो जाएगा घर का, ले पकड़ अपनी रोकड़। आत्म नूना समझना, नू है और नू है और नू ना तो नू है, मुंशी कंगाल है, मुंशी फतेहाल है, तम नूना समझियो, देखो मुंशी तो माला माल है। हमें बसंत के यहाँ जाना जी, उनकी लाली का रिश्ता लेके आए दिखो। हाँ जी, गांव में सबसे सीधी, सबसे मेहनती, सबसे अच्छी, और आपके घर जाएगी तो आपका घर भर देगी, बहुत अच्छी है। बहुत तारीफ सुनी थी, जहाँ इधर रिश्ता ले लिया। बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया आदमी है बसंत, उसका नाम है सुकन्या। सुकन्या बारा उसे
ऐसी तो होती ही मर जाए तो बढ़िया है। पाँच चार दिन पहले तो वह बालक गिरवाती फिर। हाँ यार तारीफ ही तो है, सारे गांव की नाक कटर लग रही है। अरे चुप मर जा, ये सुकन्या के रिश्ते वाले हैं, ये सुनकर भाग जाएंगे यहाँ से। रिश्ते वाले भाग जाओ सोबर, जो बात है कही जाओगी। मन्ने के करवा दिया, उनका पहले ही होया पड़ा है। बदतमीज, दिखता ना तुझे, अरे ऊपर चढ़ावे था बुग्गी। अरे बे कोड़ को ना चला जाता है रास्ते के बीच में। ओए ज्यादा ना बोल ले, सिर पे इतनी चप्पल मारूंगी खोपड़ी पे एक भी बाल ना रहने का। एक तो मारे टक्कर मार दी, ऊपर से मारे थे ये बकवास कर रहा। लंदन से आई दिखे, यू तो डांगर है, तुझे तो दिखता होगा। चल चल अपना नस्ता ना, मुझे तो तू भी डांगर से कम ना लग रहा। अच्छा अभी किसी डांगर ते पाला ना पड़ा दिखे। खड़ा तो है मेरे सामने एक। तो न्यू भी पता होगा डांगर के हाल कर दे। लाली तू क्यों इस पागल के मुंह लग रही, चल वहाँ देर हो रही, वहाँ सुकन्या के रिश्ते वाले भी आ रहे होंगे। पागल तो आज हमारे गांव में इकट्ठे हो रहे हैं, जिनके थारे जैसे रिश्तेदार हो उनका हो सके किसी का रिश्ता। क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ मैं, जिसे गांव की इज्जत बेइज्जती का ख्याल ना हो उसके बड़े रिश्ते हो रहे हैं। चलो मम्मी, पता ना सुबह सुबह किसका मुँह देखा। किसका देखा? तेरे बाप का देखा। ये बात हुई, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बड़े बदतमीज हैं उस गांव के लोग। क्यों, क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। पहले तो एक गाड़ी वाले से बच गए। हाँ। फिर बुग्गी के नीचे आन से बच गए। हाँ। फिर वहाँ एक पागल आ गया, वो लाली की गैर लड़न लग गया। लड़न लग गया? हाँ। कुछ चोट वोट तो ना लगी थारे? ना पापा, इतनी किसी में हिम्मत जो मारे चोट मार सके। और तुम नू कहोगी नू है, और नू है, और नू नहीं है तो फिर नू है क्या? तेरी मम्मी क्या कह रही? कर रहा था एक घड़ी बकवास, मन ने भी उसे एक की चार सुना दी। ना लाली, ऐसे क्या मुँह ना लगा करते। पर तुम नु बताओ, सुकन्या का रिश्ता भी ठीक ठाक नहीं बट गया? उनकी तो किसी ने चुगली लगा दी, रिश्ते वाले वापस चले गए। और तुम नु कहोगी नु है, और नु है, और नु नहीं है तो फिर नु है, और नु कैसे हो गया? नु तो हमने सोचा भी ना था। अरे मैं तो भट्टे पर जा रहा। निशा तू दो रोटी बना ले, हम तो भूखे मर गए सुबह से। लग गई तेरे पेट में आग, कड़की खा के ना गई। तू मेरी गैल सिन्ना मार, तू जा अपने भट्टे पर जा। क्यों चून का नाश कर रहा है? मुकेश भाई आ जा बैठ। इस काम की निया तू ही बहुत है, तेरे बस की ना ऐसे बेकारे काम। ये सब भगवान के जीव हैं, हमें इन सब पर दया करनी चाहिए। मुकेश भाई हम भी इन्हीं के बाग का खाम। हाँ ठीक कह रहा है, सारे काम यही ना करें, यही न्यार लावे, यही छोले, यही खेत जोतते हैं, पड़ा रहे ठाली, कोई काम तो है ना। अरे के बात है, क्यों लड़ रहा है इसकी गल? चल दंती ठाले, अन्यार काट ले उस किशनपुर वाले खेत में। इसे भेजो मेरे साथ, जब जाऊंगा मेरे बस की ना अकेले जाना, सारा काम मुझे ही करना पड़े। अरे ऐसा ना ले जा, यू तो सारे रास्ते फूंक मारता जागा, और इसके आन जान में तो मिन्नू लग जाएंगे, तू ही चला जा। या अच्छी मुसीबत गले पड़ी है। ले वो आ गया तेरा साग। नमस्ते दीदी, आप जा रही हो? हाँ क्यों, यहीं बैठ जाऊं तुम्हारे पास? इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गया? पिताजी ने किसी काम से भेज दिया था, इसलिए देर होगी। हम कब तक यूँ छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब तुम अपने पिताजी शादी की बात कर लो ना। पिताजी से क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं?
हाँ हाँ करू माँ, पर एक बात तो बता, तन्ने भी करी अपने पिताजी से बात। तू पागल हो रहा, मैं क्यों करूँ अपने पिताजी से बात? तू करना अपने पिताजी से बात। तू एक बात बता, तुझे शादी कितनी जल्दी क्यों पड़ रही? मेरा जी ना लगता, तू बता ना कब आ रहा है बारात लेके। हाँ यू जरूर बनेगा तेरा सजन, जब यू पहले ही हनीमून मना लेगा तो फिर आ रहा है यू बारात लेके। कौन हो तुम? मैं तो जो हूँ हूँ, पर तुमने के यू कंपनी बाग समझ रखा। जा अपने घरू जा, यू ना करे तेरे ते ब्याह। क्यों, तुझे ज्यादा पता है? तू इसी ते बूझ ले करेगा। हाँ हाँ मैं करूँगा। इसका बोल तो निकड़ना रहा, यू करेगा ब्याह? यू ब्याह करे न करे, तुझे से के मतलब? मुझे के मतलब होता, तू खूब मना हनीमून। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। हाँ मैं भी देखूंगा जब आओगा यू दूल्हा बन के। आज क्या क्या बात हुई हमें भी तो बताओ। के खाक हुई? क्यों के हो गया? आ गया था एक बड़ा बदतमीज था। कौन? पता ना कौन था, मैं तो जानती ना। छोड़ना उसे, तू अमित की बात बता, आज के बात हुई उससे? अब के बताऊं, उसके पास जाती मैं सब कुछ भूल जाऊं। ओहो ऐसे भी क्या दीवानगी, कुछ तो कह रहा होगा। आज तो बात हो ना पाई कुछ, अब कल मिलने का वादा है। न्यू जावे थी रोज खेत पे साग लेने के लिए, हमारी इज्जत से खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आज के बाद अगर घर से बाहर निकली तेरे पांव काट दूंगा। ये बात हुई, कुछ हमें भी तो बताओ। मारे तो घर का नाश हो लिया, या छोरी मारा मुंह काला करना चाह रही। मैं तो पहले ही कहूँ था इसे घर से बाहर मत जान दो, पर तुमने माननी मेरी। ए छोरी सुन, आज के बाद मैंने ऐसा कुछ सुन लिया ना, तुझे बलकटी से काट दूंगा। सुके यह बात तो हाथ से निकलती जा रही, या छोरी मारा मुंह काला करवा के रहेगी, जितनी जल्दी हो सके इसका ब्याह कर दो। हाँ यू बात तो ठीक कह रहे हो तुम, इससे पहले कुछ और बात बिगड़े जल्दी से निपटा लो इस काम को। तू ऐसा कर, तेरी बुआ भी तो एक रिश्ते को कह रही थी, तू आज ही चला जा, कैसे भी करके वो रिश्ता पक्का करिया तू। हाँ यू बात ठीक रहेगी, मैं आज ही जा रहा। ठीक है। हाँ के बात है, कैसे सुद्धे भीतर चले आ रहे हो? उनते भी मिल लियो, पर बात की है। मंदिर बना रहे, चंदा चाहिए था। चंदा चाहिए मंदिर की निया? क्यों तुमने गांव का नाश कर रखा है, जाओ अपना काम करो। गांव का नाश करने वाले लाग रहे हैं। नाश में के कमी छोड़ रखी है, पंचायत की सारी जमीन बेच के तो तुम दारू पी गए, मंदिर में सारे दिन थारे ताश बजे, बीड़ी सिगरेट के पैसे खत्म हो जाए तो तुम चंदा मांगन चल दो, बनो तुम गांव के ठेकेदार। काम करे हमने बदनाम करा है। क्यों मन्ने के तारी भैंस खोल ली, लूट तो तुमने मचा रखी है गांव में। अरे ज्यादा मत बोल रहे, एकदम भलाई के काम करे, एक ऊपर से हमने बदनाम करे तू। ज्यादा मत बोल लो, गांव के सारे खड़ंजों की ईंट तो तुमने बेच खाई, बिजली के तार तुम बेच खाओ, गांव में जो राशन आवे उसे तुम अपने घरू ले जाओ, सरकारी नलों को तुम बेच खाओ, अपने घरू जाओ, थारे सारे काले चिट्ठे मेरे पे। तू तो बड़ा बदतमीज है। अच्छा तू सिखाओगा मुझे तमीज, तू बनेगा मेरा मास्टर, पहले तुम घर से बाहर निकलो। अरे इन्हें तो हमारी बहुत बेइज्जती कर दी, इसके बाद पंचायत करेंगे भाई। अरे के बात है, क्यों झगड़ रहा तू इनते? रामपाल इस छोरे ने जी भर का जूत मार लिया, इसका फैसला पंचायत में होगा। जो तेरे पे होता हो जा कर लिए। अच्छा नाश की जड़ पैदा हो गया हमारे घर में। भाइयों जो इसने गलती करी मैं माफी मांगू। अरे हम तो मंदिर के चंदे के लिए आए थे, हमें नहीं पता था हमें गाड़ी मिलेंगी। अरे यार ये तो बालक बुद्धि है, इसकी बातों पे पानी गिरो। लो मैं दूंगा चंदा, लो पकड़ो, लुटवा दो इस घर को, हमारे हाथ पे तो चवन्नी भी ना धरी आज। लो जा चला जाए यहाँ, न मर जगह मेरे हाथ तू थे।
आगे से खड़न जैसा रही दबा लिया, चौतरे पे भीत काट घर बना लिया, आगे से खड़न जैसा रही दबा लिया। देखा देखी सब ने जोहड़ खा लिया, देखा देखी सब ने जोहड़ खा लिया। संभलो नहीं तो, संभलो नहीं तो लोग थकड़ा लिया, संभलो नहीं तो लोग खरतला लिया। देखी वो ही छाट ली, दिखा के आंख उसकी ढोल काट ली, जो भी डेरी बढ़िया देखी वो ही छाट ली। भाई नहीं भाई का माल खा लिया, भाई नहीं भाई का माल खा लिया। संभलो नहीं तो, संभलो नहीं तो लोग धकड़ा लिया, संभलो नहीं तो लोग खड़ला लिया। तो अब दारू हो गई, छोटी बड़ाई सब बाजार हो गई। दूध की जगह तो अब दारू हो गई, छोटी बड़ाई सब बाजार हो गई। मौका मिला जिसे जहाँ वो ही ढालिया, मौका मिला जिसे जहाँ वो ही ढालिया। संभलो नहीं तो लोगो, संभलो नहीं तो लोग ढाकर डालिया, संभलो नहीं तो लोग खड़ला लिया। मैं तो भट्टे पर भी आ लिया। मैं तो तैयार होली, तुम तैयार हो जाओ। फिर तो नू कहेगी नू है और नू है और नू नहीं है तो नू है। मेरे लत्ते कहाँ हैं? प्रेस होगी उनपे। बाथरूम में है। मेरा कुर्ता कहाँ है? बाथरूम में। मेरी धोती कहाँ है? बाथरूम में। और टोपी कहाँ है? बाथरूम में है। बलियान भी बाथरूम में ही होगा, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा? यो हार भी बाथरूम में, ये कंगन भी बाथरूम में, या लिपस्टिक भी बाथरूम में, यो पाउडर का डिब्बा भी बाथरूम में। क्या हो गया, दिमाग चल गया क्या थारा? जब मेरा सारा सामान बाथरूम में तो तेरा सामान यहाँ क्या कर रहा? यो भी बाथरूम में जागा। मैं तैयार ना हूँ क्या, ऐसी चली जाऊँ क्या शादी में? थारा तो दिमाग सटिया गया, लाओ डिब्बा इधर कूदो। डिब्बा बिल्कुल ना दो। कुंडी खोलो, बाहर निकलो, शादी में ना जाना के। शादी तो आज बाथरूम में ही होगी। मका मान जाओ, खोल दो कुंडी। खोलू ना? खोलो हक ना? खोलू ना? आज चाहे कुछ भी हो जाओ, खोलो हक ना? ले खोल दी कुंडी। वैसे तो तू बाथरूम में आती नहीं, कुछ पुरानी बात याद कर ले। आज तो प्रणाम पिताजी। ऐसा है सुरेश, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, किशनपुर तक उतार रहा हूँ, वहाँ कन्यादान दिया ये तू। ठीक है पिताजी। माताजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीता रहो, भगवान तुझे खुश रखे। प्रसाद। अरे स्त्री तो वैसे ही देवी का रूप होती है, फिर तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। पूजा पाठ तक तो ठीक था, पर आज तो तुमने हद ही कर दी, कुछ इस घर के बारे में भी सोच लो। घर में सब स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी सब ठीक होगा। घर में तो सब अच्छे हैं, पर माँ जी को एक पोता चाहिए, उसकी भी तो कुछ सोचो। अरे मैं मुकेश भैया को जब तक प्रसाद दे आऊं। हाँ ये ले भैया प्रसाद लो।
ओ चुटी देवता उरे सुन, मंदिर में भी मेरी ही बुरसेट पैर के जावे। और खाओ भैया और खाओ, जी भर के खाओ भैया। ओ सुरेश, किशनपुर से दावत आ रही, उसमें चला जा। किशनपुर? वहाँ तो मेरे दोस्त की बारात आ रही है, वहाँ तो मैं जा रहा हूँ। अरे दोस्त की बारात में बैंड बाजे के साथ में, अरे दोस्त की बारात में बाजे के साथ में नाचेंगे रे कूदेंगे। बाजे के साथ में दोस्त की बारात में, अरे बाजे के साथ में।
बेटा के साथ में दोस्त की बारात में अरे बाजे के साथ में सोनी ना तू जो तेरे टक्कर मारूं जा अपना मुंह धो के आ पहले तन्ने देखी अपनी शक्ल ऐसा लग रहा झूठा जुगाली कर रहा हो चलिए दांत ना दिखावे भूई बंदरिया नहीं तो जवाबड़ा बाहर निकाल दूंगा के बात होगी भैया 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 बता रही है मुझे मैं किसे किसे अपना चीजा बनाता फिर वहाँ कल तक खेतों पे किसी और को सजन बना रही थी आज दूल्हा बन के कोई और आ रहा ये क्या बकवास है बकवास बता रही है तू घूमना रही थी उसकी गैल खेतों पे मैंने तेरे से पहले ही कही थी यो ना करे भैया आ गया वो दूल्हा कंपनी बाग बना रही थी वहाँ ये शादी नहीं हो सकती ये बात हो गई चौधरी साहब ऐसी क्या गलती हो गई ऐसी क्या बात हुई हमारे साथ मैं क्या पता था तुम ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दोगे जिसके चर्चे सरेआम गलियों में ऐसी कोई बात ना चौधरी साहब ऐसे तो ब्याह बिगाड़ने खतर उड़ाई दे कर हैं लोग उड़ाने वाला वो खड़ा अरे क्या बकवास कर रहा तू जिंदा जमीन में गाड़ दो जो उल्टी सुद्धी पकेगा या तो बाद की बात है कौन किसे खोद के गाड़े पर मैंने खुद थारी छोरी अपनी आंखों से देखी हमारे खेतों पे घूम रही है एक छोरे की क्या हम जा रहे हैं ये शादी अब नहीं होगी चल छोरे चौधरी साहब तुम मेरी बात मान लो ऐसी कोई बात ना है हमारी छोरी बहुत सुद्धी है उसमें कोई ऐब ना है अजो तुम चले जाओगे थारे साथ मारी और इस गांव की इज्जत चली जाएगी चल रहे छोरे रुको चौधरी साहब रुको 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 तो सही चौधरी साहब रुको तो सही तू कहां चला हमारा नाश करके मन्ने करा थारा नाश थारी छोरी ने करा थारा बड़ो रही से ओए दूर रही मैं तेरी सूट दूं एक किकू छोड़ दे मुझे ए ओए दूर रही मैं तेरी सूट दूं एक किकू छोड़ दे मुझे ए अरे किसका है तू बांध के बूझ रहा किसका हूँ मैं खोल दे एक बार फिर बताऊंगा किसका हूँ मैं ताऊ जी ये रामपुर वाले चौधरी रामपाल का लड़का है मेरे जी में तो युवा है इसके हाथ पांव तोड़ लो ब्रह्म सिंह यह सोचने की बात है और इस गांव की इज्जत की बात भी है जी बेटी सबका हूँ मैं नू तो इस गांव की लड़कियों के रिश्ते भी ना लेने का कोई बात ठीक कह रहे हो जो भी करोगे सोच समझ कर करो भाइयों मेरी एक बात समझ में आ जा थारी आती हो तो हाँ और बोल भाई क्या बात है लाली का ब्याह तुम इस छोरे से कर दो मैं जरूर करूँगा इससे ब्याह इसके तो पहले ही बतेरे ब्याह हो पड़े चुप दारे देखो तुझे भी एक दिन हाँ भाई ब्रह्म सिंह कैसा रहा है मुंशी जी मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा जैसा आप चाहवे जैसा गांव समाज चाहे मैं तैयार हूँ पहले इसके बाप से तो मिल लो एक बार हाँ यह बात तो ठीक है मिलना जरूरी है सुसरे ने ब्याह का नाश करवा दिया पता ना कैसे घर का साढ़े थारे थे तो बढ़िया ही है
तुम किसी से भी मिल लो पर ब्याह तो मैं करूँ। और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं नू है मेरी मानो और तू जल्दी चलो। यू जो बंदा पड़ा इसका क्या करे? तू दो तीन लड़कों के साथ इस पर नजर रख। मैं मुंशी जी दो तीन गाँव वाले रामपाल के घर जा रहे। निशा अब मैं अमित के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैं मर जाऊंगी निशा। अब के करें? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। बात बहुत बिगड़ चुकी है। पारुल पागल हो गई है क्या? क्यों अपने आप को मारने पे तुली है? मैं मर जाऊंगी। ये क्या पागलपन है? तू मुझे कुछ सोचने दे। नहीं कुछ करती हूँ। अच्छा पहले एक बात बता, अमित तेरे से शादी कर लेगा? हाँ जरूर करेगा। उस बेचारे को तो पता भी ना मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो बस एक ही तरीका है, किसी तरह अमित को यहाँ लाया जाए। लेकिन उसे लाएगा कौन? तू अपने पापा से बात कर ना, तेरे पापा उन्हीं के भट्टे पे तो काम करते हैं। मेरे पापा तो तेरे पापा के साथ गए तेरी शादी की बात करने, वो ना कुछ करने के। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक तू अमित को यहाँ लेकर आएगी तब तक ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी इससे कर देंगे। ये अच्छी मुसीबत गली पड़ी मारे। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ लेके जाती हूँ। ये अमित को लाने में हमारी मदद करेगा। वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। शादी में आई थी तुम, यहाँ ना हो रही अब शादी? शादी? कैसी शादी? मैं किसी शादी वादी में नहीं आई। अरे दरोगा जी के लिए कुर्सी ला, मिठाई ला, पानी ला। रहन दो सुख के भैया। आप मुझे जानो दरोगा जी? हम तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तुमने किसी आदमी को जबरन अपने घर में रोक के रखा है? बाहर निकालो उसे, मैं उससे बात करनी है। अजी उसने तो हमारा नाश कर दिया, हमारी बरात भगा दी। जब तक पिताजी और मुंशी जी ना आते मैं उसे बाहर निकाल दूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जबरन किसी को अपने घर में बांध के रखना बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। अजी मुझे जेल हो या फांसी मैं इसे नहीं छोड़ दूं। तो मैं अगर बात करनी है तो भीतर ही कर लो। ठीक है तो दरवाजा खोलो, लेकिन जब तक हम बात ना कर ले कोई दरवाजे के पास नहीं आएगा। ठीक है दरोगा जी, लो कर लो बात। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो यहाँ खाम खा बांध के घेर रखा हूँ। अच्छा बच्चू अभी तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। तेरी बहुत शिकायत मिल रही, तन्ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो एकदम खटतड़ कहने वाला हूँ। कोई इसमें बुरा मान जाए तो मैं क्या करूँ? आपके इरादा है तो? मेरा इरादा बिल्कुल ना शादी करने का, चाहे चाहे जितना जोर लगा लियो। यहाँ से निकलना चाहवे या ना? हाँ निकलना तो चाह रहा हूँ। तुम पुलिस हो, थारा फर्ज है, तुम लिखवाओ। मैं तुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ, मगर तुझे मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन? तू? हाँ मैं। अब कौन सा नया चक्कर आई हूँ? यू कोई चक्कर ना है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है और तुझे मेरी। मुझे ना किसी मदद वदद की जरूरत। सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग जबरन तुम्हारी शादी पारुल से करा देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? कुछ अंधेर कर दी है तेरी वजह से, उनकी बारात वापस चली गई। अब तो गांव की इज्जत की बात है, तेरे पिताजी भी मना ना कर सकते। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मैं ना दे रहा कोई वचन पचन। ठीक है तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। के करना मुझे? पहले वचन फिर बताऊंगी। पहले बात बता, बाद में देऊंगा। ठीक है बताती हूँ। तुमने जिस लड़के को पारुल के साथ देखा था तुम्हें उसे लाने में मेरी मदद करनी होगी। पारुल की शादी उसी लड़के से करनी होगी, वरना पारुल अपनी जान दे देगी। ठीक है, या तो कोई बड़ी बात ना, ले आऊंगे उसे पकड़ के। पहले तू मुझे यहाँ तक काढ़ तो सही। पहले वचन दो, पारुल की शादी उसके साथ होने तक तू मेरी मदद करेगा। ठीक है दिया वचन, अब मुझे खोल तो सही। मैं बाहर जा रही, उन्हें बातों में लगाती हूँ, तू भाग जाना जल्दी से।
इधर आओ। ईशा तुम? ओए माँ। पकड़ो 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 पकड़ो। ताई जी पापा अपनी ड्रेस मंगा रहे, निशा लाई थी, यहाँ कुछ जरूरत थी क्या? चौधरी साहब आएंगे। आ जाओ आओ जी आओ आ जाओ। अरे मुंशी जी आप यहाँ? आज तो लड़की की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए। कैसे? आओ बैठो आओ। अरे सुरेश चल आइए रे जल्दी। चौधरी साहब हम थारी चाय पीने नहीं आ रहे, और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं है तो नू है। इस बिरम सिंह का नाश कर दिया तेरे छोरे ने। अरे के कर दिया उस नाश की जड़ ने, उससे तो हम भी तंग आ लिए। रामपाल भाई मारी थारी कौन सी दुश्मनी थी, मेरे से कौन सा बैर काटा? मुझे तो कहीं गाँव में मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़ा। अरे मैं नू कहू नाक तो सारे गाँव की भी कट गई। अरे पूरी बात बताओ के हुआ? तेरे छोरे ने मारे दरवाजे पे सब बारात वापस भिजवा दी। आज लोग गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। भाई यू तो हमें किसी के धोरे बैठने लायक छोड़ देने। किसी और की जरूरत। खैर तुम नू बताओ के चाहो? हम के चाहे? हम तो नू चाहे मारे गांव की इज्जत बनी रहे। अरे थारे गांव की इज्जत बनी रहे इसके लिए मुझे के करना होगा? सारे गांव की इच्छा मारी इच्छा, अर्ज बिरम सिंह की इच्छा, या एक बिरम सिंह की छोरी का ब्याह तेरे छोरे तो हो जा। बस चौधरी साहब अब तुम्हारी इज्जत आपके हाथ में। ठीक है मैं चल के देखता हूँ के बात है, पर एक बार मैं अंदर बतला लूं फिर मैं थारे साथ चलूंगा। जब मैं तुम्हें मने करके गया था फिर क्यों भेजा तुमने वो माँ? हमने ना भेजा, अपने आप गया। समझा कर रोक नहीं सके थी? मैं क्या पता था वो ऐसा कर देगा। तू नहीं जानती उसका, वो जहाँ जा वहीं बीज बो दे, चल नाश की जड़ पैदा हो रहा घर में। यूके कहीं है? कपड़े उतार रही हूँ। तुझे शर्म लाज नहीं है के? देखते नहीं कितनी गर्मी हो रही है। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम खड़े क्यों, वो लोग देख लेंगे तो? नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। तुम बैठो तो सही। बैठ के फंसना आके। तुम तो ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? मेरा मतलब वो क्या? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? और दे ले रुक के, बुला ले सब यहाँ। सिर्फ दूर रह के बात क्या कर? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है तेरे से बात करने की? चलो जल्दी आ लिए वो ना, और जोर से चिल्ला ले। अब चलो भी। Thank you.
मेरी समझ में न्यू नहीं आ रहा, मैं भाग क्यों रहा हूँ? चलो ना, वो लोग आ जाएंगे। आ जाने दे सुसरों को, मैं देखूंगा एक एक को, मैं के डरूं इनते। चलो ना, नहीं तो उनके साथ बाकी गांव वाले भी आ जाएंगे। तुझे जाना है तो जा, मैं ना आ रहा। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, तू जा। तुमने मुझे वचन दिया था। मुझे याद ना कोई वचन पचन, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी? अच्छा बात तो सुनो, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। क्यों? मेरे नाम में के लड्डू लटक रहे हैं। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूंगी? डांगर हूँ मैं, जुगाली करूँ, झोटा हूँ झोटा। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। समझ ले मेरा नाम मुकेश है। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। मेरा नाम निशा है। तो मैं के? तुम्हें पता है हम दोनों के नाम का मतलब एक ही होता है, निशा यानी रात। मुकेश का मतलब पता तुझे? मुकेश का मतलब हो खटतड़। खटतड़? हाँ खटतड़। खटतड़ का मतलब हो सीधा सच्चा और साफ बात कहने वाला। वो तो मैं जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा अपनी बात पे डटे रहते हो, जुबान के सच्चे हो। इसमें भी कोई शक की बात? फिर तुम अपना वचन निभाओ। नहीं, यही बात मंजूर नहीं है। अच्छा बाबा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, ना चिल्लाऊंगी ना तुम्हें कुछ कहूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। अच्छा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी? दिखा ले बैठ गई, खड़ी हो के दिखा ले खड़ी हो गई, चल बैठ के दिखा ले बैठ गई, खड़ी हो के दिखा ले खड़ी हो गई, चल बैठ के दिखा खड़ी हो के दिखा, आ दिखा तू नाच के। अपना हिला दे, अरे करनी
हंस पड़ी, चल रो के दिखा रो पड़ी, चल हंस के दिखा हंस पड़ी, चल रो के दिखा चल हंस के दिखा आ दिखा तू नाच के।